सब्सक्राइब कीजिए सिविल इंजीनियर FBH चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको पता चल जाए जब मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर FBH में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और अगर हमारे पास फोर बियरिंग दिया होगा तो हम कैसे बता सकते हैं कि बैक बियरिंग क्या होगा उस टाइम उस लाइन का, ये भी हम बताना सिखाएंगे आपको। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले ही बता दूं मैं फोर बियरिंग क्या होता है और बैक बियरिंग क्या होता है। फोर बियरिंग इज द बियरिंग ऑफ अ लाइन इन द प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे। सर्वे की प्रोग्रेस की डायरेक्शन में जो लाइन का बियरिंग होता है उसे हम फोर बियरिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। यहां पर हमारे पास एक सर्वे लाइन है, यह है हमारे पास एक सर्वे लाइन। यहां से सर्वे हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस तरफ जा रहे हैं, मतलब कि सर्वे हम यहां से करते आए हैं और यहां की तरफ हम सर्वे कर रहे हैं, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे ये है। तो जो इस लाइन का जो यहां पर जो बियरिंग होगा, यहां पर अगर हम मेरिडियन दिखा दें और यहां पर जो ये एंगल होगा इसे हम कहते हैं फोर बियरिंग इन डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे। डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे ये है, तो ये वाला एंगल जो होगा इसे हम फोर बियरिंग कहेंगे। तो ऐसे ही जो एंगल यहां पर मैंने ये जो दिखा दिया, ये मेरिडियन दिखा दिया मैंने, बैक बियरिंग इज द बियरिंग ऑफ लाइन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस। जो हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे है ये है, ए बी की डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ए टू बी है, मतलब कि ये वाला फोर बियरिंग होगा। और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ सर्वे ये है और इसका अपोजिट डायरेक्शन ये है, तो मतलब कि ये वाला जो बियरिंग होगा, इस डायरेक्शन में जो बियरिंग होगा ये वाला यहां पर, इसको हम कहेंगे बैक बियरिंग ऑफ ए बी। मतलब कि अगर हमें ये, अगर थीटा वन है और ये वाला एंगल यहां से यहां तक थीटा टू, तो मतलब कि फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो है थीटा वन, और बैक बियरिंग बी होता है बैक बियरिंग ऑफ लाइन जो होगा लाइन ए बी होगा थीटा टू, इसी को कहते हैं फोर बियरिंग। फोर बियरिंग इन डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे मापा जाता है, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ये है तो ये वाला एंगल जो होगा फोर बियरिंग होगा, और डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस अगर यही है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल मेजर करेंगे तो उसे कहेंगे बैक बियरिंग। तो ऐसे ही बता दूं मैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, हमारा ए बी लाइन ये है, हम ए से बी की तरफ सर्वे कर रहे हैं, तो यहां पर थीटा वन ये होगा, मतलब कि फोर बियरिंग ये होगा ए बी का, अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ये है थीटा वन ये होगा, और थीटा टू जो होगा ये वाला होगा क्योंकि वो बैक बियरिंग है, डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ये है तो अपोजिट डायरेक्शन में हमें एंगल मेजर करना है, इसी को कहते हैं, ये हो गया बैक बियरिंग और ये हो गया फोर बियरिंग, ऐसे निकाला जाता है। अब बैक बियरिंग अगर दिया है तो फोर बियरिंग कैसे निकालेंगे, फोर बियरिंग दिया होगा तो बैक बियरिंग कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फार्मूला है। अगर हमारे पास बैक बियरिंग निकालना है, बी बी से डिनोट करते हैं बैक बियरिंग से, एफ बी हो गया फोर बियरिंग, बैक बियरिंग इज इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। या फिर अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप सीधा सिंपली ज्योमेट्री से, अगर आपको ज्योमेट्री के बेसिक रूल्स पता है उनसे भी आप निकाल सकते हैं, या फिर ये हैंडी फार्मूला आप कहीं पर भी लगा सकते हैं कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग कैसे निकाला जाता है। तो ये हमारे पास बैक बियरिंग निकालने का फार्मूला अगर हमारे पास फोर बियरिंग दिया होगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं फोर बियरिंग इज इक्वल टू बैक बियरिंग प्लस माइनस 180, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए आप कि क्या करना होता है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहां पर एक
लाइन दिया है ए बी, ए बी का फोर बियरिंग फॉर एग्जाम्पल 50 है, फोर बियरिंग 50 है, तो बैक बियरिंग ये वाला एंगल होगा, ये तो हमें पता है, बैक बियरिंग ये वाला एंगल होगा। फिर ये हम कैसे निकाल सकते हैं कि ये कितना है, ये तो आप अगर ज्योमेट्री आपको पता है तो ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ये और ये एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल मैं बता रहा हूं, यहां पर ये एंगल और ये एंगल जो है ये इक्वल होगा, मतलब कि ये अगर 50 है तो ये वाला एंगल भी 50 होगा, 50 ये है और हमें स्ट्रेट लाइन पे पता है 180 होता है हमारे पास एंगल, तो मतलब कि हमें हम निकाल सकते हैं यहां पर अगर फोर बियरिंग 50 है तो बैक बियरिंग आ जाएगा ये 50 प्लस 180, 50 प्लस 180, 180 प्लस 50 हो गया 230, 230 डिग्री होगा, मतलब कि ये यहां से यहां तक जो होगा पूरा वो 230 डिग्री होगा। अगर आप अब फार्मूला लगाना चाहते हैं, फार्मूले से आप ऐसे निकाल सकते हैं बैक बियरिंग इज इक्वल टू फोर बियरिंग, फोर बियरिंग क्या है हमारा 50 प्लस माइनस दिया होता है, ये मैं अभी बताता हूं प्लस माइनस कैसे रखेंगे, 50 प्लस 180 वो हो गया 230, तो बैक बियरिंग 230 होता है। ये यहां पर प्लस और माइनस दिया है, ये क्या चक्कर, इसका क्या चक्कर है, इसका ये चक्कर है कि अगर हमारा फोर बियरिंग, अगर फोर बियरिंग हमारे पास दिया जो है, जो हमारे पास फोर बियरिंग दिया होगा, अगर वो ज्यादा है 180 से, 180 से ज्यादा है तो हमें माइनस साइन यूज करना है, माइनस यूज्ड। अगर फोर बियरिंग जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहां पर 50 दिया था तो मैंने जो प्लस वाला साइन यूज किया, अब अगर ये 180 से ज्यादा होगा तो हमें माइनस वाला साइन यूज करना होता है, अगर फोर बियरिंग 180 से कम होगा तो हमें प्लस साइन यूज करना है, प्लस यूज्ड, ये आपको याद रखना है फार्मूले में, मतलब कि फार्मूला आपको ऐसे याद रखना है, हमारे पास अगर हमारे पास दिया है बैक बियरिंग होता है इक्वल टू, बैक बियरिंग होता है इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, अगर फोर बियरिंग 180 से कम है, 180 से कम है तो पॉजिटिव साइन इज यूज्ड, पॉजिटिव साइन इज यूज्ड। अब अगर फोर बियरिंग दिया है हमारे पास ग्रेटर देन 180 तो हमारे पास नेगेटिव साइन इज यूज्ड। तो यहां से हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं कि बैक बियरिंग क्या होगा जब हमारे पास फोर बियरिंग दिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको जो है आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।